महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को वोट जिहाद का मुकाबला वोटों के धर्मयुद्ध से करार दिया। शनिवार को देवेंद्र फडणवीस ने महायुति गठबंधन के उम्मीदवारों संजय शिरसाट, अतुल सावे और प्रदीप जायसवाल के समर्थन में संभाजीनगर में आयोजित रैली में बोलते हुए यह दावा किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अब वोट जिहाद चल रहा है। लोकसभा चुनाव में इसका उदाहरण देखने को मिला। धुले में 1.90 लाख वोटों से आगे थी। इसी तरह से मालेगांव में 1.94 लाख वोट थे, फिर भी वो लोग 4000 वोटों से हार गए। ये हार वोट जिहाद के कारण हुई क्योंकि हम लोग एक साथ नहीं हैं। फडणवीस ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव दिखाने के लिए कि 23 तारीख को भी संभाजीनगर भगवा में रहेगा। कुछ लोगों ने भगवा के साथ गद्दारी शुरू कर दी। बाला साहब ने इस शहर का नाम संभाजीनगर रखा, लेकिन हाल के दिनों में कुछ हिंदू नेताओं ने खुद को हिंदू सम्राट कहने में शर्म नहीं आती। ये चुनाव एकता दिखाने का है। उन्होंने ओवैसी और उद्धव ठाकरे की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज नगर में महायुति को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए हैं। यह नाम किसी के जन्मदाता पिता द्वारा नहीं बदला जा सकता। AIMIM की बैठक में एक महिला ने कहा कि संभाजी राजे कौन थे, यह संभाजी नगर कैसे बना। महायुति सरकार ने शहर का नाम संभाजी नगर महायुति सरकार ने शहर का नाम संभाजी महाराज के नाम पर रखा। हम जाग चुके हैं। फडणवीस ने कहा कि हम अब हर घर में पानी पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। कूड़े की समस्या हो या सड़क की समस्या हो, हमने उसका समाधान किया है। समृद्धि का राजमार्ग बनाया है। DMC की शुरुआत यहीं से सेंदड़ा से हुई थी और देश की सभी प्रमुख कंपनियों को इसी संभाजी नगर में लाया गया है। हम हजारों लोगों के लिए रोजगार पैदा करें। संभाजी नगर में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने 11 लाख लखपति दीदी बनाई है और अब हम 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने जा रहे हैं। लड़की योजना शुरू की गई, ऐसा लगना चाहिए कि जैसे साक्षात लक्ष्मी घर आई हो। हमारी सरकार लड़कियों की पढ़ाई का खर्चा उठा रही है, हम लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए, रनवे का विस्तार करने के लिए 140 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। समुद्र में बहने वाले 54 TMC पानी को गोदावरी पात्र में लाने से मराठवाड़ा सूखा मुक्त हो जाएगा। हम एक नया खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं। संभाजी नगर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। सिडको के प्लॉट हैं, लीड होज है, फ्री होल्ड है। हम 35,000 परिवारों को सिडको भूखंडों का स्वामित्व दे रहे हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले के शिराला में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ऐसे संकेत दिए कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन BJP, शिवसेना और अजित पवार की NCP महायुति एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को चुनावी रैली में कहा कि पूरे महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद महायुति की सरकार सत्ता में बनी रहे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जीत हो। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी नेतृत्व BJP की सरकार सत्ता में है और चुनाव के बाद राज्य में BJP, शिवसेना, NCP गठबंधन की सरकार बनाना जरूरी है। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से जानने वालों का मानना है कि गृहमंत्री अमित शाह ने महायुति को वोट देने और देवेंद्र फडणवीस को जिताने की अपील इसलिए की ताकि फडणवीस को CM की कुर्सी पर बैठा जा सके। हालांकि महायुति की ओर से CM पद को लेकर के किसी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। इससे पहले डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि चुनाव के बाद हालातों को ध्यान में रखते हुए नेता मुख्यमंत्री पर फैसला करेंगे। BJP नेता अमित शाह के बयान पर महायुति के नेता का जवाब भी सामने आया है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM और NCP प्रमुख अजित पवार ने कहा कि चुनाव के बाद साथ बैठेंगे, फैसला करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर शिवसेना नेता और पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने कहा कि BJP के वरिष्ठ नेता के तौर पर अमित शाह ने यह बयान दिया है। सांगली रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र में मतदान होने वाला है और आप लोगों को निर्णायक रुख अपनाना है। कुल मिलाकर के है कि गृहमंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से इशारा किया उससे इस बात के तो संकेत मिल रहे हैं कि अब BJP चाहती है कि उसका अपना मुख्यमंत्री हो, यानी BJP का मुख्यमंत्री हो, और इसी के नाते से गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात की ओर इशारा किया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से वोट जिहाद का मामला उठाया है और उसके नाते से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी बवंडर मच गया है, क्योंकि वोट जिहाद का मामला पहले भी उठा चुके हैं देवेंद्र फडणवीस और इसी के नाते से विपक्षी दलों के नेताओं के तरफ से भी सवाल उठाया जा रहा है कि जब वोट जिहाद चल रहा है तो सरकार में आप हैं, इसको रोकने का प्रयास करते क्यों नहीं है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से वोट जिहाद का मामला उठा करके देवेंद्र फडणवीस ने महाराज की राजनीति में भूचाल लाया है उसके बाद आगे विपक्षी क्या जवाब देते हैं। VideoDeskAmarUjala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।